अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं यूसुफ आगा खान, एनसीपी मोटर से आप लोगों के लिए आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक दूसरी गाड़ी लाया हूं, बड़ी गाड़ी लाया, आप देख सकते हैं 7 सीटर आप लोगों के लिए एक दूसरी गाड़ी लाया। तो दोस्तों आज गाड़ी के हवाले से बताता हुआ चला चुका हूं, इसी गाड़ी लाया हूं। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आपको मेरे जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी लाया हूं उसके हवाले से बताता हुआ आज आप लोगों के लिए लाया हूं टोयोटा कंपनी की है, जापान की मैन्युफैक्चर है, लैंड क्रूजर प्राडो आप इसे कह सकते हो, लैंड क्रूजर प्राडो लाया। अच्छा मॉडल कौन सा है, 2002 मॉडल से जो स्टार्ट हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 9 तक जो शेप आई है वही शेप की गाड़ी आप लोगों के लिए लाया हूं, प्राडो, पिंकी प्राडो भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें फिर कई किस्म की आती है, इसमें TZ आती है, TX आती है, TX लिमिटेड आती है। आज गाड़ी जो है वो कौन सी वो आप लोगों को बताता हूं। इसमें अलग अलग इंजन आती है, इसमें 2700 इंजन आती है, इसमें 3400 इंजन आती है और इसमें 4000 cc इंजन आती है। TZ आती है, TX आती है, TX लिमिटेड आती है और साथ ही साथ इसमें 4000 आती है, 3400 cc आती है और 2700 cc आती है। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ 4000 cc का लाया हूँ TX प्राडो आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो कि सिल्वर कलर है, 2006 मॉडल है। ये कोई मिसाल ये कि 2003 से लेके पर 8-9 तक जो है ना ये शेप है, 2006 मॉडल है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा इसमें क्या होता है, TZ में क्या आता है, TZ में हेड कंट्रोल भी आता है, सनरूफ भी आता है, और TX में क्या आता है, सनरूफ आता है लेकिन हेड कंट्रोल नहीं आता है। लेकिन कोई ऐसी TZ भी ऐसी आती है जिसमें सनरूफ ना हो, सिर्फ हेड कंट्रोल भी आता है। TZ में दो किस्म की आती है, जैसे TX में दो किस्म की आती है वैसे TZ में भी दो किस्म की आती है। आज गाड़ी जो है वो TX है। TX में क्या होता है, TX इसमें नाइट कंट्रोल है, न सनरूफ है, आप देख सकते हैं ना इसमें सनरूफ है ना इसमें हेड कंट्रोल है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन बहुत ही प्यारी कंडीशन है। इंजन गियर सबसे बड़ी चीज गाड़ी का जो है वो इंजन गियर कोमा होता है, वो इस गाड़ी का जो है वो बिल्कुल VVIP कंडीशन में, न इंजन में कोई काम है, न गियर में कोई काम है, न इसके कोमक में कोई काम है। अच्छा गाड़ी के टचअप के हवाले से बताता हुआ चलो, गाड़ी सिल्वर कलर की, गाड़ी में हल्के फुल्के टचअप है लेकिन गाड़ी का कंडीशन A to Z ये जेन्युइन कंडीशन में, चाहे कोई बॉडी चेंज वगैरह नहीं है, अपने ओरिजिनल हालत में है, 4000 के अपने ओरिजिनल इंजन में है गाड़ी का। आप लोगों की इस तरह आप लोगों को शायद समझ में नहीं आज आप लोगों को मैं कंप्लीटली विजिट करवाता हुआ चल, कंप्लीटली गाड़ी दिखाता हुआ चल, उस तरह आप लोग कंप्लीटली गाड़ी भी समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों को गाड़ी का एक एक चीज भी दिख जाएगा। तो चलते आप लोगों को गाड़ी दिखाता हुआ चलू। तो बॉडी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं गाड़ी का राउंड व्यू देता हूँ, गाड़ी बहुत ही चमक रही है, आप देख सकते हैं कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, कोई फेड वगैरह नहीं है, अल्के शायद कोई 2-3 छोटे स्क्रेचेस, उसके अलावा देख सकते हो कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, डाउन स्टेप नहीं है, अप स्टेप स्टेपनी नहीं है। TX प्राडो आप लोगों को मैंने बता दिया, नॉन कस्टम पेड है, नंबर प्लेट वैसे लगा हुआ है, सिल्वर कलर की है, बहुत ही प्यारी कंडीशन, तकरीबन ये टोटल जीनियन कंडीशन। इसमें रिम वगैरह जो है ये अपने इसमें अपने ओरिजिनल इसमें रिम लगे हुए हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें अपने ओरिजिनल के जो अपने ओरिजिनल लाइट और फ्रंट जो निकल जाली है वो कोई ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ज़बरदस्त और प्यारी कंडीशन में पड़ी हुई है। बम्पर आप देख सकते हैं, बम्पर भी किट भी लगे हुए जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ये आप साथ साथ फॉग लाइट्स देख सकते हैं जो कि बिल्कुल वर्किंग में, यहाँ पर छोटे छोटे लाइट्स और भी लगाए हैं जो कि अच्छा खासा इस पर जो है ना वो रात को जो है ना अच्छा खासा यहाँ पर वो जिन्हें बंद खुलते हैं इस तरह का कोई लाइट इसमें है। और साथ ही साथ इसका फ्रंट बोनट आप देख सकते हैं, बोनट में कोई स्क्रेचेस नहीं है, कोई फेड नहीं है, अपने ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई फेड वगैरह नहीं है, कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है। साथ ही साथ इसका साइड फेंडर भी आप देख सकते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल हालत है, इसमें गोले आप देख सकते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में, हालांकि सिल्वर कलर की गाड़ियों का जो ज़्यादा चल जाती है तो उसके गोले वगैरह ख़राब हो जाते, क्योंकि ये ज़्यादा चली नहीं है, इसकी कंडीशन बहुत ही प्यारा कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके गोले इसके बम्पर वगैरह जो है फिटिंग वगैरह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है, जो कि इसका बिल्कुल गोले वगैरह ख़राब ही नहीं हुए। फुटवारी वगैरह आप देख सकते हैं जो कि कोई स्क्रेचेस नहीं है, कोई टूटा वगैरह नहीं है कि वो कोई रोड वगैरह पे टूट जाए, अपने ओरिजिनल इसमें प्राडो की अपने ओरिजिनल इसमें वो है फुटवारी। और दरवाजे आप देख सकते हैं, दरवाजे का कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है, यहाँ पे निकल यूज़ हुआ है आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ दरवाजे में कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं, आप छोटे निशान देख रहे हो, यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर लगा हुआ है, जो स्टिकर वापस उतर चुका है उसके निशान, कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, स्क्रेचेस वगैरह नहीं। दरवाजा आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारे कंडीशन, इसके दरवाजे का साउंड आप देख सकते हैं, इतने इसके दरवाजे का साउंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त, मिसाल ये बिल्कुल फ्रेश है, कोई चली हुई नहीं है, बिल्कुल चली हुई है लेकिन कंडीशन बहुत ही प्यारा है। बैक बम्पर आप देख सकते हैं, बैक बम्पर भी फुली किटेड है, बैक बम्पर भी जो है किट्स वगैरह इसके लगवाए हैं, और इसके अपने ओरिजिनल प्राडो की हेडलाइट्स है, उसके बम्पर में भी हेडलाइट्स में है। और साथ ही साथ आप लोगों को उसका बैक साइड भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कारपेट की जगह कुशन भी लगवाए हैं जो कि आप इस पर जो है कोई पानी वगैरह भी गिर जाए ख़राब नहीं होगा, उसके जो है बैक सीट जो है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। बैक दरवाज़ा आप देख सकते हैं, बैक वाइपर इसके बैक मिरर पे जो है वाइपर है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है ये ब्रेक लाइट है, और इसमें जो है ना बैक कैमरा भी इंस्टॉल हो चुकी है आफ्टर मार्केट, इस पर जो है ना बैक कैमरा इंस्टॉल हो चुकी है, इसका जो बैक साइड है वो भी अपनी जीनियम कंडीशन में, इसके जो ब्रेक लाइट्स वगैरह है वो बिल्कुल सब कुछ इसका जो है वो वर्किंग में, इसमें जो लाइट लगे हुए अपने ओरिजिनल, इसमें प्राडो के अपने ओरिजिनल लाइट लगे हुए, लेंडर साइड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रेचलेस साफ सुथरी कंडीशन में, चाहे इसका फेंडर हो चाहे इसके जो है ना वो पिलर वगैरह हो बिल्कुल प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन, कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, गोले वगैरह आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन में है।
अच्छा इसके रिम आप देख लें, बहुत ही चमकीली खूबसूरत इसमें अपने ओरिजिनल रिम है। आप देख सकते हैं रिम का कंडीशन, आप देख सकते हैं इतनी चमक रही, इतनी प्यारी कंडीशन की सी रिम है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है। छह टेयर इसकी जो है ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं है, यूज्ड है, लेकिन कंडीशन जो है टायर के अच्छे हैं। रूफ़ भी दिखाता हूँ, चलो रूफ़ आप देख सकते हैं कोई फेड वगैरह भी नहीं हुआ है, रूफ इसका जो है कोई फेड नहीं है, कोई डेंट वगैरह नहीं है, हल्का सा इसमें कंटेनर का डेंट है, इसके अलावा जो है ना कोई रूफ है जो है ना कोई पेड़ वगैरह नहीं है। गाड़ी आप लोगों ने बाहर से देख ली, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर बहुत खूबसूरत इसका इंटीरियर है, इसमें जो है ना सिल्वर कलर और ब्लैक कलर इसमें यूज़ हुआ है, अक्सर इसमें जो है ना ब्लैक और सिल्वर कलर यूज़ हुआ है। मल्टीमीडिया इसमें स्टेयरिंग है, डबल मीटर है, और को ऑटोमेटिक गाड़ी है, खोमक वगैरह इसका बिल्कुल होगी। तो आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत कंडीशन है। दरवाजे मैंने खोल दी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि गाड़ी बंद है। अच्छा स्टार्ट करते हैं, जिसके हमेशा मैं दरवाजे स्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा कुशन यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं कुशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो कि सीट का कलर है वही कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर से ब्लैक यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्पीकर है, और सब कुछ जो है ना इसका बिल्कुल वर्किंग में, सिल्वर कलर यहाँ पे ये सिल्वर कलर यूज हुआ है, बाकी ये कंप्लीटली यहाँ पे जो है ना ये गन मेटैलिक कलर की, गन मेटैलिक कलर है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली गन मेटैलिक कलर की, ऊपर से ब्लैक कलर है। डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, डैशबोर्ड भी ऊपर से ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं, और बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन की इसके जो स्टेयरिंग पे जो निशान है वो बिल्कुल अभी तक अवेलेबल। गाड़ी का कंडीशन बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है, अभी से बहुत ही ऐसी गाड़ी नहीं की दर बदर या कोई सेवल गाड़ी, बहुत ही जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारे और साफ सुथरे कंडीशन में पड़ा हुआ है। निचला हिस्सा यहाँ जो आप देख सकते हैं गन मेटैलिक का यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आप यहाँ से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें सिंपल जैपनीज इसमें एलसीडी लगी हुई, एसी वगैरह इस गाड़ी का सब कुछ एसी वगैरह जो है वो बिल्कुल ऑन है, और गाड़ी बहुत ही साफ सुथरी रखी गई है। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं मल्टी मीडिया इसमें स्टेयरिंग है जो कि बिल्कुल वर्किंग में है, डबल मीटर इसमें मीटर जो है डबल मीटर है, और नीडल वाली इसमें मीटर कोई डिजिटल वगैरह नहीं है। यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन, आपने जो भी एडजस्ट करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट इसकी जो है इसकी सीट जो है कपड़े की कोई लेदर की नहीं है, और ये हैंडल कंट्रोल है क्योंकि ये टीजेड नहीं है, टीएक्स है हैंडल कंट्रोल, इसमें आप हैंडल से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और कोई वेंटिलेटेड भी नहीं है इसके सीट जो है, इसमें कपड़े के साथ इसमें सीट से आप देख सकते हो, और बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में कोई ख़राब नहीं है। दरवाजा भी आप देख सकते हो, और साथ ही साथ ही साइड से भी आप देख सकते हैं इसके जो साइड मिरर है वो ऑटोमेटिक आप कंट्रोल कर सकते हैं। चाबी स्टार्ट है, कोई पुश स्टार्ट इस शेप में जो है कोई पुश स्टार्ट नहीं है, और साथ ही साथ कैमसोल आप देख सकते हैं, इसमें कोई फ्रिज वगैरह जो है ना इस शेप में कोई फ्रिज वगैरह नहीं है। अच्छा गियर आप देख सकते हैं लगे सर है, जैसे कोई बोल रहा है कि यार ये मैनुअल तो नहीं, ये ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक है, और टाइप ही है ज़िगज़ैग टाइप ही, और इसका कोमक वगैरह जो बिल्कुल वर्किंग में है, और यहाँ पे आप जो है ना फ्लग वगैरह आप यहाँ पे वो कर सकते हैं जो कि इसका बिल्कुल वर्किंग में है। बाकी आप छोटे छोटे इसमें टूल है आप देख सकते हैं। अच्छा बैक सीट इसका आप देख सकते हैं, बैक सीट भी बिल्कुल ज़बरदस्त प्यारे कंडीशन में है। यहाँ पे मेरा फुटबॉल किट पड़ा हुआ है, और इसके बैक सीट जो है बिल्कुल कोई ख़राब नहीं हुए हैं, और इसके पिछले जो दो सीट्स है वो भी अवेलेबल है, आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और आपकी जो है ना फिलहाल फोल्ड नहीं है, फिलहाल अपने कंडीशन में है, आप फोल्ड इसका कर सकते हैं। और रूफ़ इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं है, बगैर सनरूफ की है, बगैर रूफ के सिल्वर कलर का इसका रूफ है, और बहुत ही प्यारी कंडीशन, आप रूफ देख सकते हैं कोई खराब नहीं हुआ है, कोई पटा हुआ नहीं है, कोई गंदा तक नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त और प्यारे कंडीशन। इसका फ्रंट स्क्रीन आप देख सकते हैं, क्रैक वगैरह भी नहीं है। बॉडी आप लोगों ने देख ली, इंटीरियर देख ली, अब इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन इसमें 4000 V6 इसमें इंजन आती है, जिसके लैंड क्रूजर ZX वगैरह जो वो V8 इंजन आती है, प्राडो में V6 इंजन आती है, और साथ ही साथ आज की गाड़ी जो है वो भी 4000 V6 इसमें इंजन है। गाड़ी का बहुत ही प्यारा खूबसूरत इंटीरियर है, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन, इंजन रूम वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में, इंजन बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन में है। तो चलते आप लोगों को गाड़ी का इंजन और इंजन रूम दिखाता हुआ चलूँ। इंजन और इंजन रूम आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इंजन इंजन रूम का कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कंडीशन, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खूबसूरत कंडीशन में है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन। इंजन आप लोगों को मैंने पता है इसमें V6 इसमें इंजन है, और इंजन का कंडीशन आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सफाई हो जाए ना, इंजन कोई ऑयल वगैरह नहीं गिरा हुआ, इस पर जो टेक्स वगैरह लगे वो अभी तक इसमें, इसका बैक कारपेट आप देख सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, कोई ख़राब नहीं है, इंजन का कंडीशन बिल्कुल जीरो, क्योंकि गाड़ी ये बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त कंडीशन की गाड़ी है। तो दोस्तों गाड़ी आप लोगों ने बॉडी देख ली, इंटीरियर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अच्छा दोस्तों गाड़ी के आप लोगों को टचअप के हवाले से बताता हूँ, जो गाड़ी में टचअप बहुत ही कम है, शायद कोई 2-3 पीस टचअप हो, शायद वो भी नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ शायद कोई इसमें 2-3 पीस टचअप हो। गाड़ी बहुत ही फ्रेश और जबरदस्त कंडीशन में है, गाड़ी यूज्ड हुई है पर बहुत ही साफ सुथरी यूज्ड हुई है। अच्छा गाड़ी का आप लोगों को मैंने बता दी, 2006 मॉडल है, TX प्राडो है, और 2006 मॉडल की सिल्वर कलर की है। टचअप्स वगैरह तो आप लोगों को मैंने बता दी, 4000 cc इसमें इंजन है, VVIP कंडीशन में। अच्छा गाड़ी का प्राइस बताता हूं चलो, क्या गाड़ी रूफ कट तो नहीं, क्या टेम्पर तो नहीं? तो दोस्तों आज गाड़ी जो है कोई रूफ कट नहीं है, कोई रूफ कट नहीं है, लेकिन गाड़ी टेम्पर्ड है, आप लोगों को बताता हूं चलो, कोई रूफ कट नहीं, अपने ओरिजिनल A to Z अपने ओरिजिनल हालत में है, और साथ ही साथ आप लोगों को गाड़ी का प्राइस भी बताता हूं चलो। दोस्तों ये
सिल्वर कलर की है, 4000 cc TX Prado, ये आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 33 लाख रुपए में, जो कि बहुत ही जबरदस्त कंडीशन, A to Z जेन्युइन कंडीशन, चाहे बॉडी हो, चाहे इसके टायर वगैरह हो, चाहे इसके रिम हो, चाहे इंटीरियर हो, बहुत ही प्यारे कंडीशन में ये आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 33 लाख रुपए में, जो कि क्वेटा में मेरे शोरूम में खड़ी। तो जिस भी बाइक को चाहे तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, पूरे पाकिस्तान डिलीवरी प्रोसीजर अवेलेबल है। ये ऐसी गाड़ी नहीं कोई ज्यादा चली हो, कोई ऐसे वाले, ये बहुत ही फ्रेश कंडीशन, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। आप लोगों ने कंप्लीटली गाड़ी भी देख ली, इंजन वगैरह भी देख ली, गाड़ी का कंडीशन देख लिया, इसके जो है कोई स्क्रेचेस, कोई फेड वगैरह नहीं है, इंटीरियर कितना साफ सुथरा इसका पड़ा हुआ है, गाड़ी का कंडीशन बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 33 लाख रुपए में, पूरे पाकिस्तान डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो जिस भी बाइक को चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, बिल्कुल कॉर्नर पर मेरा नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, वहां पर मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर ले, आप लोगों को एक एक चीज में अलग अलग समझा दूंगा। और साथ ही साथ अपने बाइक को इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।